अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक है तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है और पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स हैं एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो सबसे पहले जो है हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं ठीक है और उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे सबसे पहले C++ प्रोग्राम, ठीक है। सी प्लस C++ प्रोग्राम सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज डिफाइन की है उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस डिफाइन की है उसके बाद क्लास का नाम गीक्स लिखा है और उसके बाद पब्लिक पब्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया फंक्शन इंट ट एक्स ठीक है सी आउट वैल्यू ऑफ एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया सी आउट में फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स ओवर लोडिंग होता है ठीक है इसको देखते हैं अभी मैं इसको जरा फंक्शन विद सेम नेम बट वन डबल पैरामीटर ठीक है या डिफरेंट पैरामीटर इसका फंक्शन अवर लोडिंग फंक्शन का नेम सेम हो लेकिन जो पैरामीटर है वो डिफरेंट हो तो इसको क्या कहते हैं फंक्शन अवर लोडिंग कहते हैं ठीक हो गया सेम पे भी मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू ऑफ एक्सिस एक्स एंड कर दिया ठीक है उसके बाद फंक्शन विद सेम नेम एंड डू इंट पैरामीटर्स एक और फंक्शन मैंने बनाया जिसका नेम तो सेम है लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या है डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल ये नेम सेम बट पैरामीटर्स डिफरेंट ये भी फंक्शन लोडिंग कर रहा है ठीक है और इसमें मैंने आउटपुट क्या कर दी है वैल्यू ऑफ एक्स इज एंड वैल्यू ऑफ वाई एक्स को और वाई को यहाँ पे डिफाइन कर दिया उसके बाद इंट मेन में जाके गीक्स ऑब्जेक्ट वन ठीक है ऑब्जेक्ट वन डॉट फंक्शन सेवन द सेकेंड फंक्शन इज ऑब्जेक्ट वन डॉट फंक्शन नाइन पॉइंट वन थ्री टू ठीक है द थर्ड फंक्शन इज ऑब्जेक्ट वन फंक्शन एटी फाइव को सिक्सटी फोर ये सारे के सारे उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको वैल्यूज असाइन की गई हुई है ठीक है तो ये था हमारा एक फंक्शन जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए कोड को इंप्लीमेंट किया है फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए हमने कोड को इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट पे जाते हैं तो ये है फंक्शन फंक्शनोडिंग कम्पाइल टाइम ठीक है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या है हमने सबसे पहले देखना है कि फंक्शन के नेम सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो तो ये क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के अगेंस्ट हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया अब इसको रन करके हम कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल एस फाइव कंपाइल करके देखते हैं पोलिमोरफिज्म की टाइप में से फर्स्ट टाइप है कंपाइल टाइम पोलिमोरफिज इसके बाद हम रन टाइम पोलिमोरफिज को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले करवाया है मैं आपको शो कराता हूं ठीक है ये रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है वैल्यू ऑफ एक्सिस सेवन यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सिस नाइन पॉइंट वन थ्री टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज एटी फोर सिक्स तो ये मेरे पास क्या है रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है. उसके बाद नहीं की मतलब इसको करने के लिए ठीक है उसके बाद हम अपने दोबारा स्क्रीन पे आते हैं व्हील स्टूडियो तो ये व्हील स्टूडियो के ऊपर हमारा दोबारा डिस्प्ले स्क्रीन आ गई है ठीक है जिसमें हम पहले वर्कआउट कर रहे थे तो ये फंक्शन है ये भी फंक्शन है और अगेन ये भी फंक्शन है तो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवर राइडिंग पे डिस्कस कर लिया कि कंपाइल टाइम पोलिमोरफिजम के अंदर हम फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं ठीक है फंक्शन ओवरलोडिंग होती है सम फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि फंक्शन के नेम सेम है ठीक है इस फंक्शन में भी नेम सेम है इस फंक्शन में भी नेम सेम है बट इनके पैरामीटर्स डिफरेंट है तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा एंड फंक्शन विद नेम सेम और डिफरेंट पैरामीटर तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा इज इट क्लियर ये है रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर फंक्शन ओवरराइडिंग इससे पहले हमने Time पढ़ा था विद था तो पैरामीटर तो इसको कहेंगे हम फंक्शन अवर राइडिंग फंक्शन अवर राइडिंग विदिन द सेम क्लास नहीं होती फंक्शन अवर राइडिंग में हमें इनहेरिटेंस करनी पड़ती है ठीक है इवन फंक्शन अवरलोडिंग के अंदर दो फंक्शन जिनके नेम सेम होते हैं पैरामीटर डिफरेंट होते हैं उनको विद इन द सेम क्लास आप इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन फंक्शन के अंदर आप दो फंक्शन विद विद द द सेम सेम नेम एंड पैरामीटर आप एक क्लास में इंटीग्रेट नहीं कर सकते आपको दो डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेगी ठीक है सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लाइब्रेरी हैश इंक्लूड स्ट्रीम डिफाइन किया उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस डिफाइन किया और उसके बाद मैंने क्लास डिफाइन किया

किस क्लास को पहले चलाएगा विचुअल की करेगा इसके अंदर हम देखेंगे कि वो फंक्शन प्रिंट वाइड प्रिंट को चलाएगा या वाइड शो को चलाएगा अब इसको कंपाइल करेंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि विचुअल की अब इसके बाद में अवर राइडिंग कर रहा हूँ एक और क्लास जनरेट करूंगा ड्राइव क्लास और उसका इनहेरिट कर दूंगा बेस क्लास से और बेस क्लास से इनहेरिट करने के बाद में यहाँ पे लिखूंगा वाइड प्रिंट सेम फंक्शन और उसका पैरामीटर्स मतलब उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है सेम फंक्शन उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है ठीक है तो सी आउट प्रिंट ड्राइव क्लास ठीक है सेम इन सी आउट शो ड्राइव क्लास ठीक है तो वाइट शो किया तो इसके बाद यहाँ पे क्या शो करेगा सी आउट ड्राइव क्लास तो यहाँ पे प्रिंट और शो क्या कर रहे हैं फंक्शन अवर राइडिंग कर रहे हैं कंपेरिटिवली टू योर टू जो है इनकी बेस क्लास जो है फॉर एग्जाम्पल व्हाइट प्रिंट है वाइट शो है तो दो फंक्शन जिनके नेम भी सेम हो और पैरामीटर भी सेम हो वो एक क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते उसके लिए आपको उनको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट क्लास में रखना पड़ता है ठीक है वाइड वाइड प्रिंट एंड शो ठीक है उसके बाद इंट मेन में आ जाए या वाइड मेन में आ जाए उसके बाद यहाँ पे बेस स्टैरिक बीपी ये इसने इसका पॉइंटर क्रिएट किया पॉइंटर क्रिएट करने के बाद ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए वो डिफरेंट जो है वो उसके फंक्शन को कॉल कर रहा है ठीक हो गया runtime, function, time, है। तो हम देखते हैं कि वर्चुअल फंक्शन लगाने से हमारी कौन सी क्लास पहले चलती है कौन सी क्लास लेटर चलती है इसको पहले हम कंपाइल करते हैं कंट्रोल एफ फाइव करते हैं तो हमने यहाँ पे आउटपुट्स जनरेट की आउटपुट्स देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट ड्राइव क्लास और यहाँ पे है शो बेस क्लास जो फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट आया है वो है प्रिंट ड्राइव क्लास क्या है प्रिंट ड्राइव क्लास तो प्रिंट ड्राइव क्लास कहाँ पे हो रहा है इसको देखते हैं तो प्रिंट ड्राइव क्लास कहां पे हो रहा है इस क्लास को वो डिस्प्ले कर रहा है कि ये ड्राइव क्लास इसको प्रिंट कर रहा है ठीक है और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट है वहां पे है शो बेस क्लास ठीक है शो बेस क्लास तो हम बेस क्लास को देखते हैं तो यहां पे हमारे पास शो बेस क्लास ये शो बेस क्लास ये है. इवन उसने इस फंक्शन को नहीं चलाया इसके अकॉर्डिंग उसने किसको चलाया है इस फंक्शन को कंपाइल किया है विचुअल की वर्ड यूज करते हुए सेम इन दिनियो उसने इस फंक्शन को प्रिंट ड्राइव क्लास किया और उसी तरह इसने शो के अंदर इस फंक्शन को वाइड शो के अंदर शो ड्राइव क्लास किया है तो उसने विचुअल फंक्शन यूज करते हुए हमारे पास आउटकम्स ये जनरेट किए हैं ठीक है प्रिंट ड्राइव क्लास एंड शो बेस क्लास ठीक है ये हमारे पास आउटपुट्स उसने जनरेट किए हैं तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करते हुए इस तरीके से आप इसकी फंक्शनैलिटी का परफॉर्म कर सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी का आउटकम जनरेट कर सकते हैं ठीक हो गया तो ये था आज आज का आपका टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म और उसकी टाइप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है ठीक है इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें डिस्कस करें ठीक है बेटा ओके